तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। क्या हाल है आप सभी के। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हमें देश में एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, वो है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। तो बहुत सारी बातें ना सामने आ रही हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेके, मूवी माफिया, म्यूजिक माफिया, ये सारे बाहर आ रहे हैं अब। और गाइस देखो, ये आप लोग को भी पता है, जनता को भी पता है और हम लोग को भी पता है कि नेपोटिज्म हर जगह है। नेता का बेटा नेता ही बनेगा, नेता के बेटे को नेता बनने के लिए बढ़ावा ही मिलेगा अलग तरीके से, और उसको अपॉर्चुनिटीज अलग मिलेंगी, उसको सपोर्ट अलग मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। सिमिलरली डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा और एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा, ये खत्म नहीं होगा यार। लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अपनी मेहनत के दम पर आगे आए हैं, उनसे उनका काम तो मत छीनो यार। ये क्या तरीका है कि कुछ लोगों की फिल्में छीन ली, किसी की साइंड फिल्में किसी और बड़े प्रोड्यूसर के बेटे से करवा रहे हैं, कोई गाना रिकॉर्ड हो चुका है वो किसी और सिंगर से गवा रहे हैं, किसी का करियर खत्म कर रहे हैं क्योंकि पर्सनल खुंदक है, कोई उसने कुछ बुरा कर दिया उसके साथ पर्सनली तो उसका करियर ही खत्म करा दिया, घर पे बैठा रहे हैं। बहुत गलत है यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिजर्विंग है उसका काम तो मत छीनो, तुम अपने बच्चों को बनाओ जो बनाना है, तो अपने रिश्तेदारों पे जितना पैसा लगाने लगाओ, पर जो अपनी मेहनत से कुछ करना चाह रहा है उसको तो मत रोको, उसको तो नीचे मत खींचो। और भाई ये जो अपना सिड मल्होत्रा है, इसको भी तो लॉन्च करा था करण जौहर ने, मतलब इसने ऐसा क्या कर दिया, इसका भी थोड़ी था कोई इंडस्ट्री में। तुम्हें नहीं पता क्या कितनी तगड़ी एक्टिंग करता है वो? अबे भाई बहुत तगड़ा एक्टर है वो, क्या डांस है, क्या एक्शन है, क्या इमोशन है, क्या एक्सप्रेशन है, बहुत तगड़ी एक्टिंग करता है भाई वो। और एक एग्जांपल ले लो गाइस, इंडिया में ना टैलेंट की कमी नहीं है, हर जगह टैलेंट ही टैलेंट है, और जेन्युइनली इंडिया में ये टैलेंट ना तरस गया है काम के लिए। कोई एड फिल्म में सीरियल में काम मिल जाए, कोई छोटा सा रोल ही मिल जाए फिल्म में, बट इन लोग को बाहर से लोग बुलाने हैं, वो बुला लिया फवाद खान पाकिस्तान से, क्यों भाई? उसमें ऐसा क्या है जो इंडिया में आपको नहीं मिल पाया, इंडिया के टैलेंट में नहीं दिखा जो उसमें दिख गया, क्या है उसमें ऐसा? और तो और गाइज, आजकल कई लोग अपनी अपनी वीडियोस, अपने अपने एक्सपीरियंस बना बना के वीडियोस डाल रहे हैं, और हमें पता चला कि सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी कितना ज़्यादा नेपोटिज्म है, कितना ज़्यादा म्यूज़िक माफिया वाला सीन है, और इनफैक्ट मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी कितना कुछ है यार। इससे हमें यही पता चलता है कि बाहर से जो चीज़ चकाचौंध और फैसिनेटिंग दिखती है उसके पीछे कितना बड़ा दलदल है। हम बिल्कुल सहमत है यार, जो भी वीडियोस कंगना रनौत ने, सोनू निगम ने और भी कई सारे लोगों ने बनाई है, बिल्कुल सहमत है यार उनसे, और ये चीजें बंद होनी चाहिए जल्द से जल्द। दोस्तों कोई कह रहा है कि सलमान भाई माफिया है, कोई कह रहा है कि करण जौहर माफिया है, वैसे मैं आपको सच बात बताऊं तो असली माफिया ना आप लोगों, आप ही लोग में दोस्तों ताकत है किसी को बनाने की या किसी को डुबाने की, आप लोगों से ऊपर कोई नहीं है। चाहे सल्लू भाई पंचोली साहब को ले आए, सूरज पंचोली, अपने आयुष जीजू को ले आए, और भी बहुत से जो नेपोटिज्म के जरिए इंडस्ट्री में घुसे हैं, जैसे कि अपने कपूर खानदान के अर्जुन कपूर जी आ गए, वो इमरान खान आ गया, बताते हैं कि वो आमिर खान का भांजा है, जो भी उनका लिंक रहा जैसे भी है, लेकिन वो अपने लिंक से आ गए इंडस्ट्री में घुस गए। और भी बहुत से एक्टर्स हैं, आप लोग को पता, मैं हर किसी का नाम नहीं लूंगा यार, अपने लिंक से इंडस्ट्री में घुस गए, लेकिन जनता ने, आप लोगों ने उनका काम पसंद नहीं किया, आप लोगों ने उनको चलने नहीं दिया, क्योंकि आप लोग को उनकी कला, उनकी आर्ट पसंद नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ गाइस, कुछ टारगेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने काम के दम पे, अपने हुनर के दम पे हम सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है, जैसे रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, श्रद्धा कपूर, ऋतिक रोशन, इन लोगों को हमने एक्सेप्ट करा, हमने प्यार दिया, तब जाके अपनी जगह बना पाए इंडस्ट्री में और इतने बड़े स्टार्स बने हैं। तो कुछ तो बात थी इनमें जो हम लोगों ने भी इनको एक्सेप्ट करा और इतना ज्यादा प्यार दिया। तो हमारा यही कहना है आप लोगों से कि भाई इस चीज का वेट मत करो कि कल को एक नई कंगना रनौत आएगी, एक नई वीडियो बनेगी, तभी आप उस चीज को फॉलो करेंगे। और फॉलो करने का मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की बात नहीं हो रही है, मतलब मुद्दा उठाया जा रहा है, ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है इस चीज को सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, समझे? तो गाइस आज से इस बात को गांठ बांध दो कि रियल टैलेंट को, रियल एक्टर्स को सपोर्ट करना है, सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कि ये किसी बड़े स्टार का बेटा है तो इसे भी सपोर्ट करो, ऐसा नहीं यार। टैलेंट देखो, जैसे बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में से, आयुष्मान खुराना, रणदीप हुड्डा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और न जाने कितने, विजय राज, इतने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको ना हम इंस्टा पे फॉलो करते हैं, ना हम उनकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं पर उनको हम सपोर्ट नहीं। तो आज से इस बात को ठान लो कि हमें रियल टैलेंट को ही सपोर्ट करना है, नॉट ओनली देम, आपके आसपास जितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो टैलेंटेड है, जिन्हें सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, जो सिंगिंग करना चाहते हैं, पर सोचते भी नहीं शुरुआत करने की, क्योंकि उन्हें पता है कि यार सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब इतने बड़े बड़े स्टार्स इतने बड़े लेवल पे आकर उनको उनका काम छीन लिया जाता है तो हम जाके क्या करेंगे इंडस्ट्री में। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा दो यार, और आज से दो, और हमें ही देने की जरूरत है।
ये सारे मुद्दे नेपोटिज्म को लेकर और जो भी नई नई चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, ये दोस्तों सभी को पता है कि जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत भाई के साथ हुआ है, जो भी हुआ दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और इस चीज़ का बुरा सिर्फ उनकी फैमिली को ही नहीं, पूरे देश को है। हर कोई शॉक में है कि ऐसा क्यों हुआ। यार, हम लोग इस मुद्दे को शांत नहीं होने दे सकते। अगर आप लोग आवाज उठाओगे, जनता आवाज उठाएगी, तो ये मुद्दा सामने निकल के आएगा और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा। जो भी हुआ था, सारा मुद्दा सामने आना चाहिए। एंड कल को कोई देश का कलाकार, कोई हुनर, कोई टैलेंट ऐसे सेम प्रॉब्लम्स फेस ना करे और ऐसा कुछ स्टेप उठाए। एंड गाइज, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो या सब्सक्राइब करो। इट जस्ट दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर दिस वीडियो और अपनी जनता को जागरूक करते हैं। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सी यू।